वर्ष 2021 में केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर लगभग 5,50,000 करोड़ रुपया केवल पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होगा टैक्स के रूप में। अब अगर ये 28% में आया तो जैसा मैंने बताया कि करीब 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, तो इतनी बड़ी राशि की भरपाई कहां से होगी, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है कि पेट्रोल डीजल का मूल्य क्या होगा। पिछले दिनों जो ओपेक देश हैं, जो तेल उत्पादक देश है, उन लोगों ने तेल का उत्पादन घटा दिया क्योंकि कोरोना काल में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो उन्होंने उसका उत्पादन घटा दिया तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़कर $72-73 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि कोरोना के दौरान यह कीमत $20 से लेकर $30 तक पहुंची हुई थी। इसलिए भारत की सरकार को, इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि होगी, तेल का दाम बढ़ेगा, तो भारत में भी तेल का दाम बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि कुछ मामूली कमी की गई है, क्योंकि अब पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में $62-63 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और भारत ने सऊदी अरेबिया को कह दिया कि कोई हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हम जहां से चाहेंगे वहां से कर देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया यह तेल के उत्पादन को घटाने के लिए तैयार नहीं था। तो दुनिया के जिस बाजार में हमको कम कीमत पर तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। अब अमेरिका से लेकर दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां से तेल हम उठा रहे हैं, लेकिन और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी तो तेल के दामों में भी भारत के अंदर गिरावट आएगी। और देखिए, अगर कोई राज्य ने 2 रुपया कम कर दिया, 3 रुपया कम कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंज्यूमर को जब तक सब्सटेंशियल कम नहीं हो, तब तक 2 रुपये की कटौती से उसके पॉकेट पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है।